मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आचार संहिता लागू हो जाने के बाद भी आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के खाद्य मंत्री विशाहूलाल सिंह मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नोट बांटते दिखाई दिए हैं, तो अब सरकार के राज्य मंत्री ब्रजेंद्र यादव अपने विधानसभा में महिलाओं को साड़ियां बांटते दिखाई दे रहे हैं। सरकार में मंत्री होने के नाते निर्वाचन आयोग भी कोई कार्यवाही नहीं करता। शुभम लिया जल्दी सत्यम और उठा गला।